Cobra ali, ó, sapo. Cobra aqui, ó. 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 Cobra aqui, फिर वहां जाएगी नहीं सीधी कहां इस चीज का उल्लेख जरूर कर देना चाहूंगा साथ में कि फेसबुक और इस तरह की जो एप्लीकेशन है अपने स्टेट से अपने देश से बाहर कहीं पर चालू हुई उनसे डेटा लेना बहुत मुश्किल काम है तो हमें जो हमारी सिस्टर एजेंसी है ATS और SPI बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसके बारे में बताने के लिए आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है। एक तो बसेस में लोगों के बैठने के बाद में रास्ते में कहीं पर वारदात करने की बार बार सूचनाएं आ रही थी जिसमें कि दो प्रकरण हमारे सिविल लाइन्स थाने में दर्ज हुए और एक प्रकरण हमारा किशनगंज थाने पर दर्ज हुआ। इसमें पूरी टीम ने लग करके थानाधिकारी और अन्य जो पूरी टीम है जिले की उसने लग करके काफ़ी मेहनत से प्रयास किया। इसमें 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से जो उन्होंने शादी का बैग था जिसको उन्होंने पार किया था उस बैग का काफ़ी सामान बरामद भी किया गया है और ये बात जानकारी में आई है कि बहुत बड़ी संख्या में इस गैंग ने वारदातें की हैं। इस गैंग के जो सभी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने अन्य राज्यों में अपनी वारदातें की हैं। अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो अपने स्टेट में भी इन्होंने अलवर में, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, पाली में वारदातों को करना स्वीकार किया है। अपने स्टेट से बाहर इन्होंने दिल्ली में, हरियाणा, मेरठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में वारदातें की हैं जिसके बारे में इन्होंने हमें वारदातों की जगह और वो बताई है। इस संदर्भ में हम जो कंसर्निंग स्टेट्स हैं वहाँ भी सूचना करेंगे और इन लोगों से जो भी बरामदगी की जानी है उसके प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। ये 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं ये हैं, इनके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है सलीम, अल्ताफ, नईम अहमद, मुस्तकीम, अखलाक, मोहम्मद अतीक, बजर अली और शाहरुख खान। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और गैंग के रूप में मूवमेंट करते हैं। इनके गैंग में अन्य सदस्य भी हैं। इनका मूवमेंट लगातार होता रहता है। माल मिलने के बाद में एक व्यक्ति वापस लौट जाता है, बाकी गैंग आगे प्रयास करती रहती है और लगातार इस तरह से अपनी वारदातें करते रहते हैं। तो इस गैंग के 8 लोग पकड़े जा चुके हैं और बरामदगी का कार्य चल रहा है। इसमें सरना कौन है? क्या सरना और तरीका किस तरह से? देखिए, तरीका वारदात जैसे मैंने बताया आपको कि ये गैंग के रूप में किसी भी जिले में जाते हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बस में मूवमेंट कर रहे हैं, उनके घर में कोई शादी है, उनके पास में बैग्स में इस बात की संभावना होती है कि नकदी होती है और जेवर होते हैं, उसको टारगेट करते हैं। बस में इनके साथी चढ़ जाते हैं और उतरने के बाद में गैंग का कोई एक सदस्य उस बैग को लेकर के यहाँ से रवाना हो जाता है। ये इस तरह से सदस्यों की संख्या कम होती जाती है और इनका सामान जो है यहाँ से ये बाहर अपने मुख्य जगहों को भिजवाते जाते हैं। इस तरह से लगातार वारदात एक ही जगह पर अचानक बहुत सारी वारदात करके फिर ये वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जैसे मैंने नाम बताया आपको, ये जो मुख्य नाम है सलीम, अल्ताफ आदि, ये इसके मुख्य। हाँ, इसमें गैंग में और भी अन्य लोग हैं। 8 लोग हमारे हाथ में आए हैं, इसमें कुछ अन्य लोगों के बारे में भी हमें पता चला है, उनको पकड़ने के प्रयास भी जारी है। देखिए, अजमेर में 3 वारदातें हमारी जानकारी में आई है। 16 तारीख की ये वारदात है, इससे 2-3 दिन पहले से इनकी वारदातों का हमें पता चल रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ कि पिछले 8-10 दिन से ये वारदातें यहाँ पर कर रहे हैं।